नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। देखिए, पेड़ बोया बबूल का तो खजूर कहां से लाऊं, यानी फायदा जम जिन्ना जो पाकिस्तान खड़ा करके गए थे वह घुटनों के बल बैठकर आज दुनिया से भीख मांग रहा है। दुनिया का यह पहला ऐसा फंटर मुल्क है जो कोरोना वायरस में व्यापार की गति पर मंथन न करके इस प्रयास में लगा है कि किस देश से कितनी भीख मिल सकती है। अब इसमें जो नया नाम जुड़ा है वह तुर्की है, जिसके राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगन को पाकिस्तान ने लुभाना शुरू कर दिया है। भीख की अड़क ऐसी है कि पूरा पाकिस्तान तैमन उतार कर पंक्तिबद्ध खड़ा हो गया है। मजे की बात यह है कि तुर्की ने पाकिस्तान का अरब देशों के खिलाफ इस्तेमाल तो किया, मगर उसे कभी कोई बड़ा कर्ज नहीं दिया है। तुर्की पानी के जहाज बनाने वाला एक बड़ा देश माना जाता है, मगर उसने अभी तक पाकिस्तान को कोई खास जहाज नहीं दिए हैं, जबकि यह मुल्ला देश तुर्की के नाम पर जमकर इंशाल्लाह करता रहा है। बड़ी बात यह है कि तुर्की के झांसे में आकर मदरसा मुल्क ने सऊदी अरब जैसा बेहतरीन देश खो दिया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को दो फाड़ कर देने की धमकी देना पाकिस्तान की बर्बादी वाला बयान साबित हो रहा है। सऊदी अरब की नाराजगी के बीच इमरान खान आर्थिक बदले झेल रहे अपने मुल्क को समस्याओं से निजात दिलाने की उम्मीद में तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगन को मक्खन लगाने में जुट गए हैं। सऊदी पाकिस्तान से इस कदर नाराज है कि उसने पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्ज पर रोक लगा दी है, साथ ही पाकिस्तान को उधार में तेल देना भी बंद कर दिया है। इससे खस्ता आलम मदरसा मुल्क की सांसें फूलने लगी है। सऊदी ने शेष $2 अरब को तुरंत वापस करने का डंडा भी इमरान को चढ़ा दिया है, जिसके बाद रैपिस्ट फौज का अगवा बाजवा प्रिंस सलमान के आगे गिड़गिड़ाने सऊदी अरब जा रहा है। मगर इसी बीच जो खबर निकल कर सामने आई है उसने पाकिस्तान के हाथ पांव तो फुला ही दिए है, चीन की चिंता भी कई गुना बढ़ा दी है। पाकिस्तान में सऊदी अरब के राजदूत से इस्लामाबाद में जनरल बाजवा की मुलाकात में सऊदी ने रिश्ते सामान्य करने की बड़ी शर्तें रख दी है। यही शर्तें पाकिस्तान की नींद उड़ा रही है। खबर है कि सऊदी अरब ने तीन बड़ी शर्तें पाकिस्तान के सामने रख दी है। इन शर्तों में पहली शर्त सीपैक को लेकर है, जिसमें पाकिस्तान से चीन की इस महत्वपूर्ण परियोजना से हाथ खींचने को कहा है। सऊदी ने पाकिस्तान के सामने दूसरी शर्त में तुर्की या सऊदी अरब में से किसी एक को चुनने की शर्त रखी है। तीसरी बड़ी शर्त भारत के लिए बेहद खास है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि किसी भी द्विपक्षीय मुद्दे को पाकिस्तान OIC में उठाने की कोशिश नहीं करेगा। इस शर्त में प्रत्यक्षतः कश्मीर मुद्दे की ओर इशारा है। कश्मीर मुद्दे पर ही पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्तों में खटास उत्पन्न हुई है। पाकिस्तान के लिए इन तीनों ही शर्तों को स्वीकारना आसान नहीं होगा। सऊदी राजदूत से बाजवा को मिले संदेश के बाद उसने क्राउन प्रिंस सलमान से मुलाकात का फैसला किया है। इस मुलाकात में वह सऊदी को अपने रुख में नरमी लाने और सामे महमूद कुरैशी के दिए गए बयान पर माफी भी मांगेंगे। इसके अलावा बाजवा का इरादा सऊदी को बहलाकर कर्ज मांगने का है, ताकि वे पाकिस्तान में आकर साबित कर सके कि पाक में फौजी सर्वश्रेष्ठ है। पर यह पाक मुल्लाओं के हवाई ख्वाब हैं। इस मदरसा कौम को लगता है कि सऊदी के सामने 5 बार तशरीफ भिड़ाकर और 24 घंटे इंशाल्लाह का रट्टा मारकर उसे राजी किया जा सकता है। सऊदी पाकिस्तान के रिश्तों में सऊदी का यह सबसे कठोर एक्शन है। सऊदी फंटर मदरसा कौम की दोगरी नीति से भली भांति परिचित हो गया है। वह इतनी आसानी से पाकिस्तान को माफी देने के मूड में नहीं है। सऊदी अरब भी अब उसी के रंग में फायदा उठाने की कोशिश में है, जिसके लिए उसने खुलेआम अपनी शर्तों को पाकिस्तान के सामने रख दिया है। यह तीनों ही शर्तें ऐसी हैं जिसने पाकिस्तान को दुविधा में डाल दिया है। चीन के सहयोग से बन रहे चाइना पाक आर्थिक गलियारे से हाथ खींचने का मतलब केवल चीन से रिश्ते तोड़ना ही नहीं होगा, बल्कि उसकी बर्बादी की शुरुआत भी हो जाएगी। तुर्की से संबंधों को लेकर पाकिस्तान जरूर कुछ बैलेंस बना सकता है, जबकि कश्मीर मुद्दे को OIC में नहीं उठाने को लेकर भी पाकिस्तान करीब करीब सहमत है। वैसे भी कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद इसकी ज्यादा अहमियत भी नहीं रही है। पाकिस्तान हुक्मरान इसे केवल प्रचार पाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते रहे हैं, इसलिए OIC में यह मुद्दा उठे या नहीं उठे इससे भारत पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान सीपैक को छोड़कर बाकी दो शर्तों पर किसी हद तक सऊदी के सामने घुटने टेक सकता है। अगर पाकिस्तान के लिए असली मुद्दा तो सीपैक है, कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि सऊदी ने पाकिस्तान के सामने जो शर्तें रखी है उसमें अमेरिका ने प्रिंस सलमान को सीपैक के प्रति आगाह किया है। अमेरिका किसी भी सूरत में सीपैक परियोजना को सूली पर चढ़ाने के लिए अड़ा हुआ है। चीन की ईरान से बढ़ती नजदीकियों से भी मिडिल ईस्ट में चीन के प्रति माहौल बदलने लगा है, इसलिए जिनपिंग की यह महत्वाकांक्षी परियोजना ज्यादातर देशों के निशाने पर आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के माध्यम से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाकर चीन को झटका देने की कोशिश में है, जिसके लिए माहौल भी खुद पाकिस्तान ने ही तैयार किया है। पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बयान ने सऊदी को यह मौका खुद ही परोसा है।
जिसका फायदा उठाने के लिए अब सऊदी भी चूकने वाला नहीं है। और सवाल यह भी है कि अगर पाकिस्तान और सऊदी के बीच मसला नहीं सुलझता है तो इसका पाकिस्तान को क्या खामियाजा उठाना पड़ सकता है। पाक के ऐसा करने से चीन, तुर्की, ईरान से उसके रिश्ते तो अवश्य बच जाएंगे, मगर वह खाड़ी के अच्छे मददगार इस्लामी मुल्कों को गंवा देगा। जिन देशों के साथ वह जाएगा वह तीनों ही धूर्त और स्वार्थी राष्ट्र हैं। उनके साथ बामुश्किल 8 देश भी नहीं हैं, जबकि दूसरी ओर दुनिया के सभी बड़े और धनी देश मौजूद हैं। चीन के साथ जो देश खड़े हैं उनमें सभी गरीब आबादी वाले मुल्क हैं, जो चीनी कर्जों की वजह से उसके साथ दिखाई पड़ रहे हैं। खुद चीन की अर्थव्यवस्था का भी कोई भरोसा नहीं रहा है कि कब उसका इंशाल्लाह हो जाए। दुनिया एकजुटता से चीन के खिलाफ खड़ी हो रही है और वह लगातार चीन से अपना आयात घटाती जा रही है। ऐसे में चीन की आर्थिक स्थिति डगमगाई तो वह इन देशों को दिए गए कर्ज को लौटाने के लिए दबाव बढ़ा सकता है, जिसे न चुका पाने की हालत में उन्हें चीन की हर शर्त को मानने को मजबूर होना पड़ेगा। ऐसे में पाकिस्तान के सामने बड़ा धर्म संकट यही है कि वह भविष्य के लिए चीन से खुद को सुरक्षित कैसे करे। चीन के बाद पाकिस्तान के बड़े सहयोगी खाड़ी देश हैं, जिन्हें मजहब की चटनी चटाकर वो अपना उल्लू सीधा करता रहा है। पाकिस्तान किसी भी हाल में इन देशों की नाराजगी मोल नहीं ले सकता है, पर दिक्कत यह है कि अनाड़ी और बकलोल कुरैशी इमरान का दाड़ा तोड़कर फरार हो चुका है, जबकि इमरान की हालत देश चलाए या सलवार संभाले वाली बन गई है। कुरैशी के एक बयान ने इमरान को न केवल मुश्किलों में डाल रखा है बल्कि पाकिस्तानी जनता के तहमत उतरवाने का बढ़िया प्रबंध कर दिया है। दूसरे देशों से संबंध सुधारने का काम जिस विदेश मंत्रालय का होता है वह पाकिस्तान के दुश्मनों की तादाद में भूतपूर्व वृद्धि कर रहा है। मजे की बात यह है कि उसके बॉय बीज इमरान खान को पेड़ के रूप में काटने पड़ रहे हैं, जबकि बाजवा पीठ पर जैतून का तेल लगाकर सलमान को सजदे की तैयारी में रिझे जाते हैं। यानी मदरसा मुल्क में मदरसा नीति फिर से मुल्ला का लगोजा बन गई है, जो बजता तो है पर उसमें से बजाय आमीन के 1-2-3 निकल रहा है, जिसमें सिर्फ तुर्की, ईरान और चीन ही बज रहा है। इसे ज्यादा जोर से बजाया तो मुल्लाओं का तहमत पीछे से गंदा हो सकता है, इसलिए ज्यादा जोर लगाना वर्जित है। ये फंटर लोग ही जिन्ना के असली वारिस है। फायदे आजम इन्हें नहीं लेकर भागा होता तो भारत भी इनकी मूर्खता का केंद्र होता, इसलिए अच्छा हुआ गधे यहां से चले गए। कम से कम भारत हास्यास्पद स्थिति में होने से बच गया। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।